तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में 4 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वो क्लासेस ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग 5 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 5 नंबर वाला पिक्चर्स ऑप्शंस आप लोग को दिख रहा होगा 4, और हमें क्या करना था पता है ना, हमें जो एक है उसको अलग करना, मतलब जो एक अलग है उसको टिक करना है, ठीक है। 3-4 में से 3 सेम होता है और एक अलग होता है, तो उसको टिक करना होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा पिक्चर हमारा 5 नंबर का। तो 5 नंबर वाले पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो, एक सर्कल में एक साइड डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन में एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर में 4 पार्ट किया गया है और 2 पार्ट में डिज़ाइन किया गया है, है ना, 2 पार्ट में डिज़ाइन किया गया है। थर्ड वाले पिक्चर में एक शेप है इस तरह से, उसमें भी 4 पार्ट्स किया गया है, 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट में इसमें डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और फोर्थ जो पिक्चर बनाया गया है उसमें भी एक शेप है, उसको भी 4 पार्ट किया गया है और एक साइड में डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें आपको अलग क्या लग रहा है, 1 नंबर में 1 साइड में डिज़ाइन किया गया, पार्ट तो सारे पिक्चर में 4 पार्ट्स किया गया, यानी कि 1, 2, 3, 4 पार्ट सारे पिक्चर्स में किया गया है, लेकिन डिज़ाइन देख सकते हो आप लोग, एक जो 1 नंबर वाले में है 1 पार्ट में डिज़ाइन किया गया zigzag, और 2 वाले पिक्चर में जो 4 पार्ट में से 2 पार्ट में डिज़ाइन किया गया, 3rd वाले पिक्चर में 4 पार्ट में 1 पार्ट 4 पार्ट में से 1 पार्ट में डिज़ाइन किया गया, और 4 वाले पिक्चर में भी 4 पार्ट में से 1 पार्ट में डिज़ाइन किया गया, यानी कि जो 2 नंबर वाला है ऑप्शन उसमें 4 पार्ट में से 2 पार्ट्स में डिज़ाइन किया गया, बाकी में सब में एक एक पार्ट में ही डिज़ाइन किया गया, यानी कि ये जो है हमारा 3 में से अलग है, 4ों में से ये सबसे अलग है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक्चर बनाया गया है। तो यहाँ 6 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 पिक्चर्स बनाए गए, आप चारों एक दूसरे से सेम, 4ों में से एक अलग कैसे कौन है और 3 सेम कैसे, वो हम लोग देख लेते। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन में 1st वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या किया गया है, इस तरह से एक पिक्चर बनाया गया है, यानी कि 2 रेक्टेंगल है, जो कि दोनों साथ में किया गया, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा गया है ना। तो ये 1st वाला पिक्चर है हमारा। फिर 2nd वाला जो है 2 ट्रायंगल्स है, 1 ट्रायंगल और 1 ट्रायंगल इसके ऊपर रखा गया है, है ना, 1 ट्रायंगल इसके ऊपर रखा गया है। और 3rd वाला, यहाँ पे मैं 3rd वाला ऑप्शन बना रही हूँ, तो 3rd वाले ऑप्शन में यहाँ पे इस तरह से डायमंड शेप का एक डिज़ाइन बनाया गया है। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था, तो मैं बता रही हूँ कि ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डील नहीं करूँगी अच्छे से, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है लास्ट क्लासेस में। तो एक बार मैं बता दे रही हूँ कि देखिए इसमें क्या करना है, 3 में से एक अलग को हमें सेलेक्ट करना है और फिर टिक करना है। तो अलग कौन सा है वो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए 1st वाले पिक्चर में 2 रेक्टेंगल्स हैं, दोनों रेक्टेंगल्स एक दूसरे के साथ में रखा गया है, मतलब एक यहाँ है तो दूसरा भी यहीं पे है, ठीक है। और 2nd वाला पिक्चर में एक ट्रायंगल बनाया गया है और फिर एक ट्रायंगल नीचे बनाया गया, एक के ऊपर रखा गया है ना, मतलब ये एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर ये ट्रायंगल रखा गया है। और फिर 3rd वाले पिक्चर में भी आप लोग देख रहे हो कि डायमंड का 2 शेप बनाया गया है, तो एक डायमंड का शेप के ऊपर, यानी कि यहाँ पर ही एक और डायमंड रखा गया है ना, मतलब एक के ऊपर एक रखा गया। और फिर यहाँ पे 4 वाले में आप सर्कल देख रहे हो, तो एक सर्कल के ऊपर
दूसरे सर्कल को रखा गया है। तो इनमें से इन चारों में से एक अलग कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा गया। अगर ये एक दूसरे के ऊपर रखा जाता तो किस तरह से बनता इसका पिक्चर? इस तरह से बनता, है ना। तो ये एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा गया है, यानी कि ये जो पिक्चर है इन तीनों में से सबसे अलग है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। तो 7 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को? इसमें भी वही करना है कि एक दूसरे से जो अलग है उसको, मतलब तीन जो है एक दूसरे से सेम होगा और एक अलग है, तो एक जो अलग है उसको टिक करना। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि एक अलग इनमें से कौन सा है? तो किस आधार पर हम लोगों को पता चलेगा? आकृति की स्थिति के आधार पर पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा? तो आप लोग देखो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन में आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन में एक रेक्टेंगल बनाया गया है, और रेक्टेंगल में जो एरो है वो अंदर की ओर दर्शाया गया है, मतलब जो एरो है वो इस बक्सा यानी रेक्टेंगल या फिर बॉक्स बोल लो, बॉक्स के अंदर दिखाया गया है, है ना। फिर सेकेंड वाले पिक्चर में भी रेक्टेंगल के अंदर ही इस एरो को दिखाया गया है। बाहर दिखाना होता तो किस तरह से दिखाता? इस तरह से बाहर, यानी कि जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उसमें भी रेक्टेंगल के अंदर ही एरो को दिखाया गया है। जो थर्ड वाला पिक्चर है, थर्ड वाले में भी रेक्टेंगल के अंदर इस एरो को दिखाया गया है। और जो फोर्थ वाला पिक्चर है, फोर्थ वाले में आप लोग देख रहे होंगे कि रेक्टेंगल जो है उसके बाहर इस एरो को दिखाया जा रहा है, यानी कि इन तीन पिक्चर में एरो को अंदर की ओर ही दिखाया जा रहा है, और जो फोर वाला पिक्चर है उस एरो को बाहर की ओर दिखाया जा रहा है, यानी कि फोर वाला जो पिक्चर है उसको हम लोगों को टिक करना, क्योंकि ये इन तीनों में से सबसे डिफरेंट है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 8 नंबर में, तो क्या इसमें पता चल रहा है आपको? ऐसा वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं ज़्यादा डील नहीं करते हुए मैं अच्छे से बता दे रही हूँ। तो देखो, यहाँ पे 1 नंबर वाले पिक्चर में एक बॉल बनाया, और बॉल में 2 कट्स लगाया गया, मतलब दोनों साइड में कट किया गया है। फर्स्ट वाला पिक्चर में, सेकेंड वाला पिक्चर में बीच में कट किया गया है, 2 लाइन कट किया गया, लेकिन मिडिल पार्ट में, दोनों पार्ट में नहीं है, सिर्फ मिडिल में है 2 लाइन। ठीक है, अब थर्ड वाले पिक्चर में दोनों साइड में कट किया गया है, ऊपर और नीचे की ओर, और फोर्थ वाले पिक्चर में भी ऊपर और नीचे की ओर कट किया गया, यानी कि इन चारों में से एक कौन सा डिफरेंट हुआ? जो मिडिल में कट किया गया, बाकी तीनों में तो ऊपर और नीचे की ओर कट किया गया, यानी कि जो सेकेंड वाला पिक्चर है वो हमारा डिफरेंट है, तो उसको हम लोग टिक कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। तो 9 नंबर में आप लोग देख सकते हो कि कैसा पिक्चर बनाया गया है। तो एक ट्रायंगल बनाया गया, ट्रायंगल में 2 एरो गया जो कि नीचे की ओर जा रहा है। एरो किधर दिखाया जा रहा है? नीचे की ओर। अगर एरो का दिशा ऊपर ऐसे होता तो बोलते हैं लोग ऊपर की ओर जा रहा है, अगर ऐसे होता तो बोलते लेफ्ट की ओर दिखाया जा रहा है, ऐसे होता तो राइट की ओर, और इधर है तो नीचे की ओर दिखाया जा रहा है। तो फर्स्ट वाले पिक्चर में जो एरो है वो नीचे की ओर दिखाया जा रहा है, फिर सेकेंड वाले पिक्चर में भी 4 एरोज है जो कि नीचे की ओर ही दिखाया जा रहा है ना। जो थर्ड वाला पिक्चर है उसमें एरो किधर दिखाया जा रहा है? टेढ़ा दिखाया जा रहा है। और जो फोर्थ वाला पिक्चर है उसमें भी एरो नीचे की ओर दिखाया जा रहा है, यानी कि इन तीन पिक्चर में एरो नीचे की ओर दिखाया जा रहा है, मतलब 1, 2 और 4 वाले पिक्चर में एरो नीचे की ओर दिखाया जा रहा है, और जो थर्ड वाला पिक्चर है उसमें एरो कहाँ? टेढ़ा दिखाया जा रहा है, यानी कि जो थर्ड वाला पिक्चर वो हमारा डिफरेंट है, उसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि 4 पिक्चर्स बनाया गया, तो 4 पिक्चर्स में 1 सर्कल है, 1 स्क्वायर है, 2 ट्रायंगल है ना। तो अब इसमें से कौन सा अलग है वो हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो, सर्कल में लाइन इस तरह से जा रहा है, ठीक है, सीधा, और जो सेकेंड वाला पिक्चर में है जो लाइन है वो इस तरह से जा रहा है, मतलब एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे। तो फर्स्ट वाले पिक्चर में ऐसे जा रहा है तो 1 नंबर इसको दे देते हैं, सेकेंड वाले पिक्चर में ऐसे जा रहा लाइन, बीच वाला लाइन आप लोगों को देखना है तो ऐसे जा रहा है तो इसको भी 1 नंबर दे देते हैं, थर्ड वाले पिक्चर में लाइन ऐसे जा रहा है तो इसको 2 नंबर दे देते हैं,
और फोर वाले पिक्चर में भी लाइन ऐसे जा रहा है, इसको भी थ्री नंबर, मतलब कि वन थ्री और फोर नंबर जो है, वन थ्री और फोर नंबर जो है वो कैसे जा रहा है, ऐसे सीधा लाइन जा रहा है, लेकिन जो टू नंबर वाले पिक्चर में बनाया गया लाइन इस तरह से जा रहा है, यानी कि ये थोड़ा ये डिफरेंट है सबसे हम लोग का, तीनों से अलग ये है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कैसे हम लोग, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा तो आप लोग प्लीज़ वो वाले क्लासेस ज़रूर देख लेना, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा अच्छे से डील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया तो टाइम वेस्ट करना नहीं बनता ना, तो आप लोग का एग्ज़ाम भी सामने आ रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी से ये सब बता दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सारा जो क्वेश्चन से अच्छे से डील कर लिया, जो हम लोगों ने नहीं देखा वो मैं बहुत अच्छे से बताऊँगी, पर जो मैंने कर लिया है, मतलब जो मैंने पढ़ा दिया लास्ट क्लासेस में, उसको हम अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जल्दी से अच्छे से बता दे रही हूँ, बाकी एकदम डिफिनेशन से हम लोग ने पढ़ लिया है। तो अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 11 नंबर। तो 11 नंबर में आपको क्या दिख रहा है कि टू एरोज़ हैं, तो टू एरोज़ हर पिक्चर में और बीच में एक प्लस का साइन हर पिक्चर में दिया गया है। तो अब हमें क्या देखना है, इसमें टू ब्लैक लाइन्स हैं जो कि एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, जो बीच वाला लाइन है उसके अगल बगल है, तो एक इधर है एक इधर है, सेकेंड वाले पिक्चर में भी तो एक इधर है और एक इधर है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, थर्ड वाले पिक्चर में भी टू ब्लैक सर्कल्स है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में, और जो फोर्थ वाले में है टू सर्कल्स है, दोनों किधर है, राइट साइड में ही, यानी कि दोनों इस साइड में ही है, और इस साइड में भी होना चाहिए था, जो कि तीनों वन टू और थ्री वाले पिक्चर में लेफ्ट और राइट दोनों में दिया गया एक ब्लैक ब्लैक डॉट, लेकिन जो फोर वाले पिक्चर में है सिर्फ राइट साइड में दिया गया, यानी कि फोर नंबर जो है हमारा राइट होगा, क्योंकि तीनों में से ये सबसे अलग है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। तो 12 नंबर में कैसे डिफरेंट है वो हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे फोर पिक्चर्स दिया गया, फोर में एक स्क्वायर, एक डायमंड शेप में, एक ट्रायंगल है और एक इस तरह से शेप दिया गया है। तो अब अलग तीनों में चारों में से एक अलग कौन है वो हमें पता लगाना है। तो वो किस आधार पे हमें पता लगाना है, तो इसको हम लोग संख्या के आधार पे करेंगे, लाइन का संख्या, यानी कि इसमें चार लाइन लेके बना गया है, चार पार्ट बना गया है, मतलब फोर लाइन लेके एक स्क्वायर बना है। सेकंड वाले पिक्चर में एक डायमंड का शेप, वन टू थ्री फोर, फोर लाइन्स लेके बना है। थर्ड वाले पिक्चर में थ्री लाइन से एक ट्रायंगल बना, और फोर्थ वाले में जो शेप दिया गया वन टू थ्री फोर, फोर भुजाओं से बना, मतलब इन तीन पिक्चर में चार भुजाएं लेकर पूरा शेप बना है, लेकिन वन टू और फोर वाला पिक्चर जो है चार भुजा लेके एक शेप बना है, लेकिन थर्ड वाला पिक्चर क्या सिर्फ तीन भुजा से बना, मतलब तीन लाइन लेके, वन टू थ्री, तीन लाइन लेकर एक ट्रायंगल बना, यानी कि ये सबसे डिफरेंट है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको टिक कर दिया। आपको समझ आ रहा है ना कि इसमें कैसे हुआ, जैसे कि वन टू और फोर वाला जो पिक्चर बनाएंगे उसको अगर आप लोग देखोगे तो चार भुज, इन तीनों पिक्चर में चार चार भुजाएं ली गई, मतलब चार चार लाइन लेके बना गया, वन टू थ्री और फोर, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, लेकिन थर्ड वाला जो पिक्चर इसमें तीन लाइन लेकर ही बना, तीन भुजाओं से, वन टू और थ्री। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, तो इसको हम लोग टिक कर दिए। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। तो 13 नंबर में आप लोग को दिख रहा है ना पिक्चर, वन टू थ्री और फोर, फोर पिक्चर्स दिए गए, तो फोर चारों में से एक जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो किस तरह से चारों में से एक कौन सा डिफरेंट है और किस बेसिस पे डिफरेंस है वो हम लोगों को पता लगाना है। तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है वो तो हर पिक्चर में है, मतलब वन टू थ्री और फोर सब में, लेकिन ये जो मिडिल पार्ट वाला चीज़ दिया हुआ है इसमें एक यू शेप में दिया गया है, इसमें दो लाइन लेकर एक ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, लेकिन थर्ड वाले में भी एक यू शेप में दिया गया और फोर्थ वाले में एक यू शेप में दिया गया, यानी कि जो टू नंबर वाला पिक्चर है उसको हम लोग जब अच्छे से देखेंगे तो दो लाइन लेकर ये वाला बनाया जा सकता है, लेकिन वन थ्री और फोर वाला जो
ये दिया गया है एक पार्ट पिक्चर का, वो भुजा लेकर नहीं बनाया जा सकता एक भी, यानी कि ये जो है हमारा तीनों में से डिफरेंट है, मतलब चारों में से ये सबसे डिफरेंट है, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। और ये तीन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि इन सब में यू शेप बन रहा है हर पिक्चर में, है ना। ये वाला पार्ट आप लोग अगर मिलाओगे तो सब में सेम बन रहा है, लेकिन टू नंबर वाले में सबसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दो भुजा लेकर बनाया जा सकता है, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। तो 14 नंबर में आप लोग देख सकते हो चार पिक्चर्स बनाया गया है, इसमें से एरोज हैं 1, 2, 3 और 4। सब में कितना कितना एरो है, 1, 2, 3, 4, सब में चार चार एरोज बनाए गए हैं ना। तो अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि एक इनमें से डिफरेंट कौन है, तो अब एक एक करके पहले हम लोग मिलाएंगे। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 1 नंबर वाले पिक्चर में एक का मुंह, एक एरो का मुंह इधर है तो एक का इधर है, फिर एक का इधर है तो एक का इधर है, इसी तरह से है। फिर सेकेंड वाले में आप लोग देख रहे हो एक का मुंह इधर है तो एक का इधर है, और दूसरे का भी इधर ही है, दूसरे का तो इधर होना चाहिए था, यानी कि ये अलग है। अब पहले इसको पॉइंट लगा देते, फिर नेक्स्ट वाला भी हम लोग मिला के देख लेते। तो इसमें भी एक का मुंह इधर है और दूसरे का ऊपर की ओर, एक का नीचे तो दूसरे का ऊपर। और फोर्थ वाले पिक्चर में भी एक का मुंह राइट साइड है तो दूसरे, एक का मुंह लेफ्ट साइड है तो दूसरे का राइट साइड, और एक का लेफ्ट है तो दूसरे का राइट। तो उसी तरह से जब हम लोग देखें तो 2 नंबर वाला जो पिक्चर है उसमें क्या किया गया, एक का मुंह राइट साइड है तो फिर 2 का मुंह लेफ्ट दे दिया और 4th का मुंह दे दिया राइट साइड में, यानी कि ये जो है डिफरेंट है सबसे, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। अगर आपको इस वाले वीडियो में अच्छे से नहीं समझ आ रहा है तो पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से डील किया हुआ है, तो आप लोग वो वाले क्लासेस ज़रूर कर सकते हो, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हमारा हुआ, ठीक है। तो हम आ जाते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब तो यहाँ 15 नंबर वाले क्वेश्चन में आप लोगों को कैसे पता लगाना है कि अलग इनमें से चारों में से एक अलग कौन सा। तो 1 नंबर वाला पिक्चर आप लोग देखो तो 1 नंबर वाले में एक ट्रायंगल ऊपर की ओर बनाया गया, नीचे की एक लाइन है, एक लाइन में ऊपर की ओर ट्रायंगल है तो नीचे की ओर स्क्वायर है। इस वाले पिक्चर में भी ऊपर की ओर ट्रायंगल है तो नीचे की ओर स्क्वायर है। थर्ड वाले में ऊपर की ओर ट्रायंगल है और ऊपर की ओर ही स्क्वायर भी बनाया गया, लेकिन फोर्थ वाले में भी नीचे की ओर ये स्क्वायर है तो ट्रायंगल ऊपर की ओर है, यानी कि एक कौन सा आपको अलग लगा। जो 3rd नंबर वाला पिक्चर है उसमें क्या आपको दिखा कि जो लाइन है उसके सेम साइड में दोनों बनाया गया है, ट्रायंगल भी और स्क्वायर भी, यानी कि जो 3rd वाला पिक्चर है वो हमारा अलग है इन तीनों में से, तो इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का 15 नंबर तक क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन। तो 16 नंबर वाले क्वेश्चन में अब हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि कौन अलग है इन चारों में से। तो इसमें देखो 1, 2, 3 और 4 फोर पिक्चर्स बनाए गए जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो 16 नंबर वाला आप लोग देख रहे हो, जैसे कि 1 नंबर वाले में जो ये डिज़ाइन देख रहे हो वो यू शेप में बनाया गया है। 2 नंबर वाले ऑप्शन में भी जो डिज़ाइन देख रहे हो बाहर की ओर जो डिज़ाइन निकला हुआ है वो यू शेप में है, यानी कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ना। और जो 3rd वाले में भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, मतलब इस तरह से। और जो 4th वाले में इसका डिज़ाइन देखो कैसा है, ऐसा डिज़ाइन है, यानी कि जो 4th वाला पिक्चर आपको क्या लग रहा है, अलग लग रहा है ना। मतलब इन तीनों में से 1, 2, 3 जो तीनों में डिज़ाइन बनाया गया एक जैसा है, जो कि 4th में वो थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये जो 4th वाला पिक्चर है उसको हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि इन तीनों में, इस चारों में से सबसे अलग यही है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 17 नंबर। तो 17 नंबर में आपको क्या दिख रहा है, 17 नंबर में जो फोर पिक्चर्स बनाएंगे 1, 2, 3 और 4 फोर सर्कल्स है, तो फोर सर्कल्स में, तो 17 नंबर वाले क्वेश्चन में फोर सर्कल्स बनाएंगे। फोर सर्कल्स में आप लोगों को दिख रहा होगा सब में एक एक डिज़ाइन बनाएंगे, मतलब इस तरह से एक लाइन निकला हुआ है सारे पिक्चर्स में। तो 1 नंबर वाले में ये जो लाइन है वो सर्कल के बाहर की ओर किया गया है, जो 2nd वाले पिक्चर में उसमें भी सर्कल की बाहर की ओर है। 3rd वाले में भी ये जो लाइन है, यानी कि एक धागा निकल रहा है एक बॉल में से, वो सर्कल के बाहर ही है। लेकिन जो आप लोग 4th वाला पिक्चर देख रहे हो तो धागा कहाँ है, सर्कल के अंदर की ओर दिखाया जा रहा है, यानी कि 4th वाला पिक्चर में आप लोग को लग रहा है ना अलग है इन तीनों में से। क्यों अलग है, क्योंकि जो धागा है, यानी कि जो प्लास्टिक के बॉल में से एक धागा निकल रहा होता है वो क्या है, इन तीनों पिक्चर में बाहर की ओर निकल रहा है, लेकिन इसमें अंदर की ओर दिखाया गया, यानी कि जो 4th नंबर वाला पिक्चर है वो
इन तीनों में से ये डिफरेंट है, मतलब चारों पिक्चर में से सबसे डिफरेंट यही है, तो इसको हम लोग टिक कर देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने 17 नंबर तक का क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब 18 नंबर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।